Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope it's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming, you person, my home, brother, sister, girl, boy, and everyone. Today is sad breaking news. Yes, guys, and new update. आप लोगों ने देखा है कि मरियम फहाद जो है उनकी वीडियो आई, वो बहुत रो रही थी और जब उन्होंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली उसके अंदर वो मतलब बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने एक और वीडियो डाली और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिनका रोना देख के हम लोग जो हैं एकदम टेंशन में आ गए, परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ मरियम के साथ, वो क्यों ऐसा रो रही हैं। दूसरी साइड पे जो है नौशीन मुल्तानी की लाइव हो रही थी और वहाँ पे साजिद भाई भी बैठे हुए थे और वो साजिद भाई भी कह रहे थे कि मैं मरियम से जो हूँ अभी मैं उनसे राबता करता हूँ, नौशीन मुल्तानी सिस्टर वो भी कह रही थी कि मैं भी मरियम से राबता करती हूँ, देखती हूँ ऐसा क्या हुआ है। तो सब लोग बहुत हिल गए थे, परेशान हो चुके थे। और दूसरी साइड पर सोनिया की लाइव हो रही थी और सोनिया की लाइव में बाबर था और बाबर क्या बोल रहा था आप लोग सुनेंगे कि वो क्या बात कर रहा था। जी ये सोनिया है, सोनिया बात कर रही है। तीन बच्चे, अगर वो दोनों मियां बीबी होते ना तो शायद वो आज आकर यहाँ पर बोल भी रही होती। वो कह रही है मैं अपने बच्चों का सोच रही हूँ, मैं उन्हें सेव कर रही हूँ, तो यानी कि कुछ बड़ा ही हो रहा होगा ना उस बंदी के साथ। या वो सोनिया के मुल्क में बैठी हुई है और अगर उनके उनको कोई अगर कुछ भी बोलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के तो सिक्योरिटी भी बहुत टफ है। हाँ लेकिन जो मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे ये वो क्या नाम थी उसकी, वो यूके वाली जो उसने मुझे मेरी बेटियों को और मेरे बच्चों को उठवाने की धमकियां दी थी, ठीक है। उसने तो मुझे सारी लाइव लोकेशन भी भेजी थी कि यहाँ यहाँ तुम रह रहे हो सारी, मैंने कहा तुमने जो करना है कर लो, मैं यहाँ नहीं करा तो वो तो वहाँ बैठी हुई है, क्यों डर गई है वो। तो जी यहाँ पर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जिस जगह पे बैठी है वहाँ पे तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये दिलबर भाई हैं जो मरियम फहाद के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकती है, वहाँ पे लोगों से राबता कर सकती है, वो ऐसी जगह पे बैठी है, उसको तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में जहाँ इनके दिलबर के बच्चों को, इनकी फैमिली को ट्रेड किया गया, इवन कि इनके घर का एड्रेस वगैरह भी दुश्मनों के पास मौजूद था, तो कहते तब मैं नहीं डरा। तो ये तो एक ऐसी जगह पर बैठी है जहाँ पर मरियम फहाद को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, वो सब कुछ कर सकती हैं। तो मरियम फहाद वही वाहिद बंदी हैं जिसने सितारा के लिए स्टैंड लिया, सितारा के लिए उस बंदी पर गाली गलौज, उसके मियाँ को गे बना दिया गया, उसके जो हस्बैंड है उसके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाए गए, त्वाइफ बोला गया मरियम को, मरियम के कपड़े उतारे गए, मरियम की नंगी तस्वीरें लगाई गई, मरियम को इतना बुली किया गया, उसके साथ साथ नौशीन मुल्तानी को भी उन्होंने इसी तरह बुली किया, क्योंकि नौशीन मुल्तानी की जब अभी लाइव हो रही थी तो वहाँ पे वो भी कह रही थी कि उनको भी इंस्टाग्राम के ऊपर थ्रेड आ रहे हैं, उसके ऊपर भी उनको गाली ग्लोच जो है वो दी जा रही है। तो ये दो वाहिद बंदियाँ हैं जिनके ऊपर जो है इन्होंने तवाइफों का इल्ज़ाम लगाया, इनके कपड़े उतारे, इनकी गंदी तस्वीरें लगाई, इनके बच्चों को कोसा गया, मरियम के बच्चों को कोसा गया, नौशीन मुल्तानी के बच्चों को कोसा गया, नौशीन मुल्तानी को भी गंद से गंद बोला गया और अभी भी बोल रहे हैं, मरियम फहाद को भी गंद से गंद बोला गया और अभी भी बोल रहे हैं। तो इस वजह से मरियम फहाद का कल जो था वो एक सब्र था वो टूट चुका और उसकी वजह से वो उन्होंने एक वीडियो डाली और उसके ऊपर वो उन्होंने क्राई करना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो नौशीन मुल्तानी शी इज़ ब्रेव, और ब्रेव तो मरियम भी है, लेकिन उनका एक सब्र का जो बंद होता है वो टूट गया, उनसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन नौशीन मुल्तानी ने बर्दाश्त किया इन सब चीज़ों को और उन्होंने कल लाइव भी बहुत दिनों के बाद आकर किया, वो बहुत सैड थी। नौशीन मुल्तानी ने वीडियो भी सुबह अपलोडिंग की और पूछा और बताया कि मैंने मरियम के साथ राबता किया पर उसने मुझे आंसर बैक नहीं दिया। और उसके बाद फिर एक और मैं आप लोगों को आवाज शेयर करती हूं जो समीरा थी, समीरा ने भी क्या क्या बोला है मरियम के लिए वो भी हम लोग सुनते हैं। यहाँ पे इस बंदी ने ये भी बोला है कि मैंने मरियम के ऊपर कोई केस वेस जो है वो नहीं किया है, और अगर मरियम को कोई और प्रॉब्लम है, मरियम को कोई और ऐसी चीज़ है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकती है, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। ये जी थी
समीरा जो सब बिल्कुल मत रोए, आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, आप हंसती खेलती मुस्कुराती भी अपनी वीडियो बनाती भी हम लोगों को अच्छी लगती हैं। और उन्होंने समीरा ने ये भी कहा कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि मरियम के ऊपर केस करो, मरियम पर ये करो वो करो, तो लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। हाँ, अगर मेरे टीम के बंदे जाकर मरियम की वीडियो के नीचे कोई भी मैसेज वगैरह करते हैं तो उसमें वो मेरा नहीं, क्योंकि वो मेरी टीम है, वो मेरे चैनल को संभालती है, तो उन्होंने जाके ऐसा वैसा कुछ लिख दिया होगा, कर दिया होगा। तो ये एक बात हुई। अब हम नौशीन मुल्तानी की बात सुनते हैं, क्योंकि नौशीन मुल्तानी भी बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्होंने भी मरियम के लिए वीडियो अपलोडिंग की और मरियम के लिए छोटे छोटे इस तरह से टारगेट मत कर, बच्चों की बातें कर रही थी, पता नहीं अब उनको कौन सी किसी ने धमकी दी है, किसी हेटर ने कि अपनी लाइफ में कोई बात उन्हें की है, वो बहुत ज्यादा शदीद किस्म से रो रही थी। मुझे अभी तक उनसे मेरा रब्ता नहीं हुआ और ना मुझे पता चला कि वो वजह क्या है। इतना मेरा दिल रो रहा था देख के, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी शदीद किस्म से कि हमारी बहन आखिर क्यों रो रही है। उन्होंने खुल के नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि मैं आप लोगों को वक्त आने पे बताऊंगी। जी, तो ये नौशीन मुल्तानी है जिन्होंने कहा है कि वक्त आने पे, जो है मरियम ने कहा है कि मैं वक्त आने पे बताऊंगी। इसके बाद जी अभी हम एक और बंदी के ऊपर चलते हैं। उसको क्या मिला, उसे उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी बात मरियम फहद के रोने की। मरियम फहद इस वजह से रोई है कि मरियम फहद की जो है ना वीडियोस रैंकिंग पे नहीं जा रही, मरियम फहद को व्यूज नहीं आ रहे। मरियम फहद की 8 घंटे पहले की वीडियो में 1K भी नहीं हुए, 65,000 सब्सक्राइबर लेके बैठने वाली बंदी के 8 घंटे में 1K भी नहीं हुए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चुस्लिमा मुल्तानी और ये डोज और ये जितने भी लोग हैं इससे ये कह रही है कि जी मरियम के जो व्यूज हैं वो कम आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है इसने ये सारा जो है एक ड्रामा किया है। और इसने ये उससे पहले उसने एक वीडियो डाली तो उस पर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि मेरी पहली वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे तो दूसरी वीडियो डाली, और दूसरी वीडियो के ऊपर जो है उसने एक ड्रामा किया, रोने का किया कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। और ये बंदी जो मसाज वाली है वो ये कह रही है कि जो मरियम है वो जेलस हो गया है नौशीन मुल्तानी से, डेजी दोस्त से, रोशना से, कि इन लोगों के थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर हैं लेकिन इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जो सितारा है, सितारा ने मरियम फहद की जो वीडियो है वो कम्युनिटी पर नहीं लगाई है, उस इस वजह से भी मरियम को बहुत गुस्सा आया। और मरियम ने जो है जिसने भी मसाज वाली की वीडियो देखी होगी उसने उसमें बताया है कि मरियम ने अपनी वीडियो में खुलमा जो है वो धमकी दे दी है कि मैं जो हूँ कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर महीने के बाद जो है मैं बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन वो पॉइंट किया जा रहा है सितारा को कि सितारा ने अगर अभी भी कम्युनिटी जो है इसकी वीडियो की ना लगाई मरियम की, तो वो जो है मरियम खुद ही मैदान में आ जाएंगी और जो है सितारा को वो नंगा करना शुरू कर देंगी। इसीलिए मरियम ने जो है जब उसकी बच्ची का कुछ ऐसा हुआ उसके ऊपर भी उसने आवाज़ नहीं उठाई, वो खामोश रही। उसने कहा मैं इस मामले में अब नहीं बोलूँ क्योंकि मेरी कम्युनिटियाँ नहीं लगा रही सितारा। तो इस बंदी जोहा ब्यूटी का कहना ये भी है कि जो अभी मरियम है वो जो है जैसे डेजी डोज है सितारा को ब्लैकमेल करता है कि मेरी कम्युनिटियाँ लगाओ, इसी तरह मरियम फहद भी जो है वो सितारा को ब्लैकमेल कर रही है कि मेरी कम्युनिटियाँ लगाओ, मेरी वीडियो लगाओ, मेरे पास व्यू आना जो है वो कम हो गए ताकि लोग आएँ और मेरी वीडियो को देखें। तो इस बंदी ने जो है ये सब चीज़ें कहा है। तो देखिए हर कोई मेहनत कर रहा है, मरियम फहद को सितारा ने नहीं कहा या नौशीन मुल्तानी को नहीं कहा, हर कोई अपने ही दिल से सितारा के साथ खड़ा है और सच्चे दिल से खड़ा है। और जितना सितारा ने साथ दिया है मरियम का या इसका नौशीन मुल्तानी का, इसी तरह इन दोनों बंदियों ने, नौशीन मुल्तानी ने और मरियम फहद ने, दोनों ने मिलकर सितारा का साथ दिया और हक सच का साथ दिया है। और ये दोनों बंदियाँ अपने दिल से आई हैं, सितारा ने इनको मजबूर नहीं किया है। तो ये कहना कि जी वो अब ब्लैकमेल कर रही है और ये बटलम ये सब झूठ, ये मसाज वाली बोल रही है, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन कुछ दिनों से वैटी के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, जेलसीपन और इस तरह का करना, बाहर के लोगों को ले आना, दुश्मनों के लोगों को ला के बैठा देना, उनके लिए आवाज उठाई जा रही है ना, अब सितारा के लिए आवाज उठाई जा रही है ना किसी और के लिए आवाज उठाई जा, आवाज अब उठाई जा रही है दुश्मनों के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं और ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब यहाँ पे दिलबर ने पहले नैना ने वीडियो डाली और नैना ने कहा कि मैं दिलबर मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुम मेरी तरफ से मर गए हो ये और वो, तुम मेरे भाई हो, मेरे भाई रोगे। पर दिलबर ने फिर वीडियो डाली और दिलबर ने कहा कि तुम मेरी तरफ से मर गई हो और मैं तुम्हारी तरफ से, माँ को भी उसने इसी तरह बात कर दी। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है
सुनते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। दोनों को यही बोल रहा हूँ, आज के लिए मैं आपके लिए मर गया और आप मेरे लिए मर गया, तो आज के बाद मेरे ना तो नैना के साथ वास्ता है ना मेरी माँ के पास साथ वास्ता। नैना का सुनते हैं, हम आपके लिए मर गए, आप हमारे लिए नहीं मरोगे, मैं आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगी। हम आपके लिए मर गए, आप हमारे लिए नहीं मरोगे, मैं आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल। तो जी आज की तो यही बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज थी, न्यू अपडेट थी कि जो भी वैटी के ऊपर यूट्यूब के ऊपर हो रहा है, मरियम नहीं आई, मरियम रोने लग गई, उसने लाइव भी नहीं की। उसके बाद जी अचानक फिर साजिद भाई आ गए नौशे मुल्तानी की लाइव में, फिर दिलबर आ गया सोनिया की लाइव में। सोनिया जो है वो भी एक हक सच की आवाज़ उठाती है, सोनिया की लाइव में दिलबर आया और वहाँ पे आवाज़ उठाई गई। सोनिया भी जो है वो बिल्कुल नहीं डरती है, वो सितारा के साथ बिल्कुल एक ढाल की तरह वो भी खड़ी हुई है, तो उस चीज़ को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसके साथ साथ जो भी अभी दिलबर और नैना के दरमियान में, उसकी माँ के दरमियान में जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। तो ये थी जी आज की बिग बिग अपडेट जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। आएंगे नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, न्यू अपडेट के साथ। चेक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइज़।